छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज छोड़, नहीं प्लीज मुझे जाने दो, मुझे चुप हो जाओ, keep quiet, एकदम चुप हो जाओ, चुप क्या खूबसूरत चेहरा है ये मोहिनी का चेहरा देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये कहानी मोहिनी के लिए ही बनी हो यूसुफ मियां कमाल के आदमी हो तुम भाई क्या खूबसूरत चेहरा ढूंढ के निकाला है वाह 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 थैंक यू सर ये चेहरा देखने के बाद मुझे माधवी की याद आई अगर माधवी मिलती ना तो मैं उसे भी स्टार बना देता वक्त वक्त की बात है लेकिन मोहिनी अपने आप में एक सुंदर चेहरा है लेकिन लेकिन मोहिनी आई कैसे नहीं अभी तक मैं तो यही हूँ अरे मोहिनी कम मोहिनी आ गई हाय कम बैठिए प्लीज कम हैव अ सीट मोहिनी लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर बीपी ये बीपी साहब है हमारे प्रोड्यूसर बड़ा नाम सुना है इनका इनके साथ काम करने में मजा आएगा नमस्ते मिलाऊंगी हाथ में मिलाऊंगी इतनी क्या जल्दी है बीबी साहब I am impressed by Yusuf बड़े कमाल की चीज है मोहिनी इसमें क्या शक है सर एनीवेज मोहिनी ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर श्याम कुमार जी नमस्ते ये तो मुझे स्टार बना देंगे इनके साथ तो बनाकर रखनी पड़ेगी क्या बात है नहीं बात तो है श्याम कुमार जी सो नाइस ऑफ यू अरे हाँ मोहिनी वो तुम्हारे स्क्रीन टेस्ट का क्या हुआ बहुत अच्छा गया बोलो तो चाहते हैं कि मैं कल से ही काम पर आ जाऊं अरे नहीं ये क्या गजब कर रही हो देखो ये मौका हमें मिलना चाहिए तुम्हें मैं इंट्रोड्यूस करूं और रहा सवाल पैसों का तो जो कुछ भी वो दे रहे हैं आई विल पे यू डबल द अमाउंट बीपी साहब मैं आपके बारे में जानती हूँ इसीलिए तो मैंने उन्हें हाँ नहीं करी है वेरी गुड ये हुई ना बात बस तुम देखती जाओ इसी हफ्ते फिल्म लॉन्चिंग की एक शानदार पार्टी रखता हूँ ओके अच्छा हाँ ये पैसे वैसे की बात किससे करनी होगी बीपी साहब ये बातचीत हम किसी होटल रूम में बैठ के कर सकते हैं क्योंकि पैसों की बात तो मैं ही करूंगी ओके बिल्कुल ठीक है अब तुम सुनो आज मैं तुम्हारा फ्यूचर अनाउंस कर देता हूँ आने वाले दिनों में कोई भी तुम्हारे मुकाबले में नहीं होगा कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला नहीं होगा बीपी साहब तो आप भी अपना फ्यूचर सुन लीजिए आपका भी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा भाई कमाल है क्या ये सब गुड विशेष आप दोनों आपस में ही बांट लेंगे सेठ जी के लिए सारी गुड विशेष और आपके लिए आपके साथ तो पूरी फिल्म करनी है भाई क्या बात है तो ठीक है मोहिनी आज शाम को होटल रीजेंट पैलेस में मिलते हैं वहाँ स्वीट नंबर 404 मेरे नाम पे हमेशा बुक रहता है पवन ओके
मैं मोहिनी नहीं माधवी हूँ। माधवी? हाँ माधवी। माधवी तुम? मैंने तो सुना था कि तुम मर चुकी हो। तो क्या मैं तुम्हें जिंदा दिखाई दे रही हूँ? क्या कोई जिंदा इंसान इस तरह तुम्हारे घर में आ सकता है? इसका मतलब है कि तुम हाँ मैं माधवी की आत्मा हूँ। एक हवा का झोंका जो कहीं भी जा सकता है। लेकिन तुम मेरे घर में? तुम ही मोहिनी का काम संभाल रहे हो ना? हाँ हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं नहीं देखूंगा, मैं छोड़ दूंगा काम। नहीं, तुम ही उसका काम संभालोगे, उसके नफा नुकसान का ख्याल रखोगे। मोहिनी जिस फिल्म में काम कर रही है उस फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट के सारे पैसे तुम मेरे माता पिता को दोगे। मैं जानती हूँ तुम एक सीधे साधे इंसान हो, पर इस फिल्म नगरी में 10 अच्छे लोग होते हैं तो 4 बुरे। तुम्हें उन सब लोगों से मोहिनी को बचाना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। मोहिनी इस वक्त होटल रीजन पैलेस के स्वीट नंबर 404 में है, तुम्हें अभी वहां जाना होगा। क्या बात है बीपी साहब? कमाल है बीपी साहब, हद हो गई। मैं आई, आप ही ने दरवाजा खोला। आप ही से पूछकर तो मैं बाथरूम हाथ मुंह धोने गई थी। क्या दरवाजा मैंने खोला?
तुमने What are you saying? ओहो बीपी साहब, इतना ज्यादा ख्यालों में डूबना अच्छा नहीं होता। कभी कभी आदमी यादों के सागर में ऐसा डूबता है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। क्यों, गलत कहा मैंने? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, पता नहीं। वैसे एक बात कन्फेस करूं, जब से तुम्हें देखा है ना, मेरे तो होश उड़ गए। वैसे भी मेरा मिजाज जरा आशिकाना है। ओहो बीपी साहब, आपने सुना नहीं कि ये इश्क नहीं है आसा, बस इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इसी दरिया में डूबने की तो ख्वाहिश है मोहिनी। हम जरा पैसे की बात करें। पैसे की बात? यस मोहिनी, जैसी तुम्हारी मर्जी। पहले पैसों की ही बात कर लेते। पीपी साहब, ये मेरी पहली फिल्म है और मैं इसके लिए 1 करोड़ लूंगी। हाँ? 1 करोड़? और यही नहीं, हीरो भी मेरी पसंद का होगा। रियली? कौन होगा हीरो? राजेश कुमार। What? राजेश कुमार? बेबी, do you know? राजेश कुमार एक फिल्म का 5 करोड़ रुपए चार्ज करता है। देखो, मैंने तो इस फिल्म का बजट 2.5 करोड़ बनाया था, लेकिन तुमने तो देखते देखते इसे 25 करोड़ का बना दिया। ओहो बीपी साहब, आपके पास किस चीज की कमी है? Well, by the grace of God, कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे कुसूल है जिससे ये पूरी इंडस्ट्री अच्छी तरह से वाकिफ है। फिल्में बनाने के लिए मैं बाहर से फाइनेंस नहीं लेता, मैं अपने पैसे से फिल्में बनाता हूँ। ठीक है, आपके अपने 25 करोड़ लग रहे हैं, तो क्या बाद में न जाने कितने करोड़ों की बरसात होगी। थैंक्स फॉर योर स्वीट वर्ड्स हनी, लेकिन ये बरसात तो तब होगी जब राजेश कुमार मेरी फिल्म के लिए हाँ कहेगा। तुम इस इंडस्ट्री में नई नई आई हो, फॉर योर कन्फर्मेशन, राजेश कुमार सिर्फ अपने ग्रुप के साथ काम करता है। उसके अपने खास डायरेक्टर्स हैं, खास प्रोड्यूसर्स हैं। राजेश कुमार को लाने की जिम्मेदारी मेरी। Are you confident? Very much. Good. अच्छा, इस वक्त कौन कम वक्त आ गया? मैंने तो बाहर ढूंढ सब का बोर्ड भी लगाया था। Excuse me. तुम यहाँ? अरे यार, ये क्या वक्त आने का? वो बीपी साहब, एक बहुत जरूरी बात है यार। लेकिन फिर भी एनीवे, आओ कम इन। हे यूसुफ, हाय। हाय, ऑल वेल? या हाय यूसुफ, बोलो क्या बात है। बीपी साहब, मोहिनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो इनके पापा मिस्टर हंसराज मेहता के नाम पे बनेगा। अच्छा, और जो पेमेंट्स है वो भी उन्हीं के नाम पे जाएगा। हाँ ठीक है, मेरे गार्डियन मेरे पापा ही तो हैं। ठीक है, तो मैं कल एग्रीमेंट बनवा लेता हूँ। अच्छा हाँ यूसुफ, एक न्यूज है तुम्हारे लिए। व्हाट्स दैट? मोहिनी ने मुझसे अपनी पहली फिल्म का 1 करोड़ रुपया मांगा है, और इतना ही नहीं, इसकी ये शर्त भी है कि इसका हीरो इसकी पसंद का होगा, वो भी राजेश कुमार। खैर, मैंने इसकी दोनों शर्तें मान ली, लेकिन एक शर्त मेरी भी है दोस्त। राजेश कुमार को लाने की जिम्मेदारी इसकी, राइट स्वीटर? यूसुफ, तुम एक काम करो, तुम कल ही राजेश कुमार से कांटेक्ट करो और उनके सामने पीपी साहब का ऑफर रखो। हाँ मोहिनी, लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम कल ही उनसे मिलने जाओ, बाकी बातें कल होंगी। ओके बीपी साहब, मैं चलती हूँ।
आप शूटिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। मोहिनी, वन सेकंड, मे आई ड्रॉप यू? नो नो, आई मैनेज। नहीं, इट्स ओके, आर यू श्योर? या आई एम श्योर। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, वन सेकंड, थैंक्स, बाय। अरे यार, कबाब में हड्डी, ये बात करने के लिए तुम कल तक रुक नहीं सकते थे? नहीं बीपी साहब, मैं कल तक के लिए नहीं रुक सकता था। अरे बट व्हाई? वो एक्चुअली बात ये है कि अगर माधवी के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम डर के मारे गिर पड़ोगे। अरे कहाँ खो गया डार्लिंग? हेलो। वो बात दरअसल ये है बीपी साहब, ये सब उनके घर वालों की मर्जी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे दोस्त तुम्हारे दिन तो फिर गए। तुम देख लेना, मोहिनी पर्दे पर आने के बाद धमाका करेगी, एक्सप्लोशन, और बहुत जल्द ये सारी इंडस्ट्री उसके पीछे भागेगी। तुम्हारी तो चांदी है दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, मोहिनी के काम के लिए तुम्हारी कमीशन कितनी है? सर वही एज यूजुअल 15%। मतलब एक ही झटके में 15 लाख? लकी चैप, सही है दोस्त, गिव इट अप। ओके बीबी साहब, मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर। टेक केयर। जो सीन अभी हम करने वाले थे, हाँ, वो कैंसिल हुआ, अभी दूसरा करेंगे। अच्छा साहब को मैं बोल दूंगा, ठीक है? ओके। अरे यूसुफ भाई, आ गए आप? कैसे हो? बस ठीक। राजेश कुमार जी का है? साहब अंदर है, आपका इंतजार कर रहे हैं अंदर। हाँ चलो मिल के आते हैं। हाँ ठीक है। राजेश कुमार जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ओह यूसुफ, आओ आओ। किशन तुम थोड़ा बाहर बैठो। और कैसे आना हुआ? बैठो, हैव अ सीट। थैंक यू। एक्चुअली राजेश कुमार जी, मैं आपके पास बीपी साहब का एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। देखो यूसुफ, ये पूरी इंडस्ट्री जानती है कि मैं कुछ सेलेक्टिव प्रोड्यूसर के साथ ही काम करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि बीपी साहब बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं और डायरेक्टर श्याम कुमार जी के साथ एक नई पिक्चर शूट करने जा रहे हैं। लेकिन ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है और मेरे पास तो डेट्स भी नहीं है। अब तुम ये बताओ मैं क्या करूँ? राजेश कुमार जी, जानता हूँ देयर इज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक नई आर्टिस्ट आई है मोहिनी, वो चाहती है कि आप उनके साथ काम करें। क्या एक नई लड़की मुझे रिकमेंड करेगी? नो, ये तुम क्या बोल रहे हो? उठो उठो। सर आप एक नई आर्टिस्ट का नाम सुनकर इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? आप भी तो कभी नए थे। आपको याद है आपको आप ही के फिल्म से एक सीनियर आर्टिस्ट के कहने पर निकाल दिया गया था? शट अप, आके एक वर्ड भी बोला ना। नाउ गेट आउट। सर आई डिडंट मीन इट। राइट नाउ आई सेड गेट आउट। सर आई डिडंट मीन इट। किशन, वेयर आर यू? छोड़ो यार, सारा मूड अपसेट कर दिया। तुम्हें बीपी की पिक्चर करनी होगी राजेश कुमार, तुम्हें बीपी की पिक्चर करनी होगी। कौन कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पे? मैं पूछता हूँ कौन है यहाँ पे? जिस एक्ट्रेस ने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया है, मैं उसकी बहन माधवी हूँ। अगर तुमने बीपी की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारा चेहरा ऐसा कर दूंगी, जरा देखो आईने में। देखो देखो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा।
ठीक है, तुम अभी यूसुफ को फोन करोगे और उसे कहोगे कि तुम फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो। हाँ, जो जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। शर्मा जी, क्या लगता है आपको, राजेश कुमार हाँ करेगा? बीपी साहब, मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजरी करते हुए 20 साल हो गए हैं। ये जो सुपरस्टार लोग होते हैं ना, उनका एक अपना अजीब स्टाइल होता है। ये लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। न्यू कमर के लिए वहाँ एंट्री मुश्किल तो क्या नामुमकिन है। बीपी साहब देखिएगा, ये यूसुफ है ना, खाली हाथ लौटे? रॉन्ग शर्मा जी, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सर गेस व्हाट, बीपी साहब मुबारक हो, मुबारक हो। अरे क्या हो गया भाई? इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया सर, ये राजेश कुमार का कंफर्मेशन लेटर है। हा? क्या? अरे ये क्या बात कर रहे हो? यस सर। माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। यार हम अभी बस थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि राजेश कुमार 100% इनकार ही करेगा, और यहाँ उसने कंफर्मेशन लेटर भेज दिया, और वो भी बिना साइनिंग अमाउंट लिए। इट्स अ मिरेकल। यार मुझे ये बताओ, ये चमत्कार हुआ कैसे? ये सब मत पूछिए बीबी साहब, आप आम खाने से मतलब रखिए, गुटखा गिनने से नहीं। बीबी साहब, पूरी इंडस्ट्री जानती है राजेश कुमार की प्राइस, वो 5 करोड़ रुपया लेते हैं। आप जल्द से जल्द 50 लाख रुपया साइनिंग अमाउंट भिजवा दीजिए। राइट नाउ। शर्मा जी, अकाउंटेंट को फोन लगाया जाए। और यूसुफ, तुम देखना, मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा, ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि एक बार तो ये हॉलीवुड वाले भी चकरा जाएंगे। बीबी साहब, और एक इम्पोर्टेंट बात, आप मोहिनी का 5 लाख रुपया साइनिंग अमाउंट मुझे दे दीजिए, मैं जाकर मेहता साहब को दे आऊंगा। ऑफ कोर्स, एनीथिंग फॉर माय लेडी लक मोहिनी। अरे उसने तो आते ही मुझे ए क्लास का प्रोड्यूसर बना दिया है। तुम देखना यूसुफ, इस बार मैं फिल्म कंप्लीट करके ही बेचूंगा और अपना मुंह मांगा प्राइस मांगूंगा। दोस्त बीबी साहब, राजेश कुमार जी चाहते हैं कि आप ये 4 महीने में फिल्म कंप्लीट करें। वो आपको बल्क में डेट देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगले 6 महीने के बाद उनकी 2 बड़ी फिल्में शुरू हो रही है, और वो भी अब्रॉड में शूट करेंगे वो। एक मिनट, होल्ड ऑन। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरी फिल्म स्टार्ट टू फिनिश कंप्लीट? ओह माय गॉड, अरे मेरी जान, एक के बाद एक खुशखबरी दिए चले जा रहे हो। दैट्स ग्रेट, अब तुम देखना, लूट लूंगा मैं पूरी दुनिया को। अरे इस बीपी के घर में नोटों की बारिश होगी, नोटों की बारिश। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे, मोहिनी के लिए 5 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट? नो वे, बीपी प्रोडक्शन की हीरोइन है, उसे 5 नहीं 10 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट दिया जाए। शर्मा जी, मुबारक हो बीपी साहब, मुबारक हो। आपके पास भी खबर पहुंच गई? अरे क्या बात करते, जैसे जंगल में आग फैलती है ना, उसी तरह सारी इंडस्ट्री में बात फैल गई है। अच्छा, अरे के मुंह पे एक ही नाम है, बीपी, बीपी। अरे अरे कमाल हो गया, जमाल हो गया। छा गए पाजी आप। सर, मैं जाके मोहिनी के स्क्रीन टेस्ट की तैयारी करता हूँ। अरे क्या दादा, अभी तक आप स्क्रीन टेस्ट पे अटके हुए हैं? सीधा लाइट्स कैमरा एक्शन, शूटिंग स्टार्ट। अरे राजेश कुमार पूरी डेट ले रहा है एक साथ। अरे सर, हिटर, सुपर हिटर। लीजिए। हाँ भाई, चाय पी लेते हैं। मैं देखता हूँ। गुड इवनिंग मेहता साहब। गुड इवनिंग यूसुफ, आओ। नमस्ते। नमस्ते। बोलो क्या बात। मेहता साहब, देयर इज अ वेरी गुड न्यूज, आपकी बेटी हीरोइन बन गई है, और ऐसी फिल्म की हीरोइन बनी है जिसका हीरो राजेश कुमार है। अब आप देखते रहिए मेहता साहब, आपके इस घर में कैसे नोटों की बारिश होगी। ये लीजिए। ये क्या है मेहता साहब? ये 10 लाख रुपए हैं।
मोनी का सिर्फ साइनिंग अमाउंट है। क्या? हाँ, हमारी इंडस्ट्री में ये रिकॉर्ड है। आज तक किसी भी नई लड़की को इतनी बड़ी रकम बतौर साइनिंग नहीं मिली है, वो भी कैश। लेकिन ये रुपए लेकर हम क्या करेंगे? ये रुपए आप लेंगे। देख लिया ना पापा, मैं ना कहती थी कि मेरा ये ड्रामा रंग लाएगा। अब मोहिनी की फिल्म शुरू होगी और मेरे हथियारे सामने आएंगे। तूने जैसा जैसा कहा था हमने वैसा वैसा ही किया। अब हम चाहते हैं तेरे हथियारों को सजा मिले। मिलेगी, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन माधवी, मुझे बस एक ही बात का डर सता रहा है। अगर लोगों को ये पता चल गया कि तू ही माधवी है और तू ही मोहिनी, तब क्या होगा? उन्हें कौन बताएगा? उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। यूसुफ कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। और राजेश कुमार ये राज कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि मैं उसे उसका अंजाम दिखा चुकी हूं। मेरे हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी और उसके लिए मुझे बीबी के पिक्चर खत्म होने का इंतजार करना होगा। शर्मा जी, आप खुद ही मैनेज कर लीजिए। मुझे उस छोटी सी चीज के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए, परसों मुहूर्त पर मुझे कोई भी गूफ अप नहीं चाहिए। आप ये मान के चलिए कि यह फिल्म मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके? एक और बात, आगे की जो भी मीटिंग्स है आज की तारीख में, वो आप खुद ही मैनेज कर लीजिए, मैं फ्री नहीं हूं। ओके? चलिए, मैं कल आपसे बात करता हूं। बाय। मोहिनी, माय डार्लिंग, प्लीज कम। यू नो मोहिनी, वक्त काटे नहीं कट रहा था। क्यों? मैंने तो कहा था कि मैं 7 बजे आऊंगी और अभी तो ठीक 7 बज रहे हैं। हाँ मैडम, 7 आपके लिए बजे, मेरे लिए तो एक एक पल भारी था। आपका दिन कैसा गया? दिन तो काफी अच्छा था, बहुत बिजी रहा मैं। यू नो भाई, परसों मुहूर्त है तो तमाम तैयारियां करनी है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, टीवी वाले होंगे, चैनल्स वाले होंगे, यू नो, वेरी एक्साइटेड। पीपी साहब, मुझे इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हाँ कहो। पीपी साहब, मैं अभी अभी एक बहुत बड़े ज्योतिषी से मिलके आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, फिर? मैं उनसे मुहूर्त वाली बात करने गई थी, पर उन्होंने कहा है कि मुहूर्त वाले दिन मुझे वहां पे नहीं होना चाहिए। हाँ? ये क्या कह रहे तुम? उन्होंने कहा कि अगर दूसरे दिन से मैं आपकी शूटिंग पर आऊं तो आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। वो तो ठीक है मोहिनी, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिना हीरोइन के मुहूर्त कैसे होगा? मुहूर्त वाले दिन तो लोग राजेश कुमार के लिए आएंगे, मोहिनी को कौन जानता है। बस आपकी ये फिल्म हिट हो जाए तब सारी दुनिया मोहिनी को पहचानेगी। इसीलिए बीबी साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। ओके, ओके। जब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। वैसे भी जहां तक बिजनेस का सवाल है तो आई एम वेरी प्रैक्टिकल, और हाँ, ज्योतिष विद्या को मैं भी बहुत मानता हूँ। मैं भी तो आपकी वेल विशर हूँ, आप मेरी जिंदगी बना रहे हैं। आप बहुत ही प्यारे और ईमानदार इंसान हैं। आपकी भलाई में ही
मेरी भलाई है। मुझे तो रात दिन सोते जागते बस आप ही का ख्याल आता है। मोहिनी तुम नहीं जानती तुम्हारी ये बात मेरे लिए कितना मायने रखती है। तुम तो जानती हो मैंने इस फिल्म में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, सब कुछ। हाँ जानती हूँ, पर इतना समझ लीजिए कि इसके लिए मैंने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। फिर फायदे की बात बता दूं, आपको 3 महीने में आपकी फिल्म तो कंप्लीट करनी है। मोहिनी तुम्हारी बात ठीक है लेकिन मैं तो बस 3 महीने तक किसी भी प्रेस वाले को या मीडिया वाले को मेरी सूरत देखने के लिए तरस जाने दीजिए, कहीं भी मेरी फोटो ना छपने पाए, और पब्लिसिटी के लिए मेरे चेहरे की एक आउटलाइन दे दीजिए जिससे मेरी शक्ल ना समझ में आए, और जिस दिन लोग मुझे पर्दे पर देखेंगे बस देखते ही रह जाएंगे। वाह, दैट्स ग्रेट। कौन कहता है कि ब्यूटी एंड ब्रेन्स डोंट गो टुगेदर? अरे उनसे कहो यहाँ आके तुम्हें देखें, तुम हो इस बात का जीता जागता सबूत। अब तुम देखना जैसा तुमने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं बस इतना ही कहने आई थी। तुम देखना मोहिनी, तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत दूर तक जाएगी। आपने ठीक कहा बीबी साहब, आपकी और मेरी दोस्ती बहुत दूर तक जाएगी, बहुत ऊपर। मोहिनी, इफ यू डोंट माइंड एक बात कहूं, तुम में और तुम्हारी बहन माधवी में बहुत फर्क है। क्या आप माधवी को जानते थे? हाँ, इनफैक्ट पहली बार वो जिस टैलेंट कॉन्टेस्ट में आई थी उसकी सिलेक्शन कमेटी में मैं भी था। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम एक हवा के झोंके की तरह बेबाक आजाद और मस्त हो, लेकिन माधवी वो किसी जंजीर की तरह अपने आप में जकड़ी हुई थी। वो इस माहौल के लायक ही नहीं थी, वो बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती थी पर बिना किसी का सहारा लिए, इसीलिए तो बिना कुछ हासिल किए ही चली गई। पर मैं माधवी नहीं मोहिनी हूं, मैं जो चाहती हूं उसे हासिल करके ही रहती हूं। यस, तुम मोहिनी हो। मोहिनी हाँ, आपको लाइन याद है ना? ये याद रखना कि इसके पहले सीन में आप शराब पिए हैं, आपको सदमा पहुंचा है, और भी आप ऐसे आए हैं कि मैं हीरोइन को मना के रहूंगा। वो इनकार करती है लेकिन आप उसे हाँ कहेंगे, इसका मतलब मुझे इसमें इमोशन चाहिए, मतलब आज उसे मना के ही रहेंगे किसी भी हालत में। फिर उसे सर शॉट रेडी रेडी ओके दादा लेवल करो। रामू जी ग्लेव काटिए उसका। कल्पेश यहाँ आओ। यस सर। वो मट्टी लगाया वहाँ पीछे? हाँ लगाया, वो सोलर लगाओ। वो सोलर भी लगवाओ जल्दी से, चलो फटाफट करो। Everybody ready? Okay. Start sound. Camera, clap. Scene number 1, shot number 1, take number 1. Action. शेखर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहिनी, वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करने से रोकती है? तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा ऊंचा खानदान? नहीं नहीं शेखर, ये बात नहीं है। दरअसल मैं डरती हूं, जो बात मैंने तुमसे छुपाई है अगर तुम्हें वो बात पता चल गई। कट 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 कट। मोहिनी फैंटास्टिक। राजेश बाबू मुझे वो अंदर से फीलिंग चाहिए। आप उसे मना रहे, किसी भी हालत में मना की जाएंगे, वो ना कहते आप हाँ कहना चाहते, वो अंदर से आना चाहिए। कमान यार कमान। वेरी गुड वेरी गुड। एक बात माननी पड़ेगी बीपी साहब, क्या डायरेक्टर साइन किया आपने? बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत ही टैलेंटेड है, क्या काम ले रहा दोनों से। जी बाबा, मैंने आपसे कहा ना, आधी बाजी तो हमने तभी जीती थी जब हमने श्याम जी को साइन किया था। अरे ऐसे थोड़े कोई इतने अवार्ड जीत जाता है जैसे श्याम जी ने जीते। स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप टेक 2 एक्शन। शेखर,
तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहिनी, मोहिनी वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करने से रोकती है? तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा ऊंचा खानदान? नहीं नहीं शेखर, ये बात नहीं है। दरअसल मैं डरती हूं। जो बात मैंने तुमसे छुपाई, अगर तुम्हें वो बात पता चल गई तो शायद तुमसे प्यार नहीं नफरत करने लगोगे। कट, वेरी गुड, गॉट इट। सुनो, वेल डन मोहिनी, वेल डन। राजेश, फर्स्ट क्लास। स्टील दादा, स्टील लो, चलो नेक्स्ट शॉट। अरे आइए श्याम जी, आइए आइए बैठिए। सर, क्या शॉट लिया आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा शॉट। बोलिए बीपी साहब, ऐसा है कि पहले हमने आपको 100 डांसर का लिस्ट दिया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन अब हमारे दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है कि हमको 150 डांसर लगेंगे। श्याम जी, आप 100 लीजिए, 150 लीजिए या 200 लीजिए। जी, मैंने ये बात पहले ही क्लियर कर दी है कि इस फिल्म में मुझे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। यस सर। शर्मा जी से मैंने कह दिया है जी कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो उनको बोलिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और देखिए, हमारा जो मिश्रा है ना, वो बोल रहा है कि सेट 20 तारीख के पहले नहीं देंगे, और हमारे पास तो वक्त की कमी है, फिर हम फिल्म कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जरा सेट का बोल दीजिए ना उसे। दादा, आप इन छोटी छोटी चीजों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चाहे शर्मा करे चाहे वर्मा करे, सेट आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट मिलेगा। यस सर। और हुक्म कीजिए। बस बस बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलूं। आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी? जी जी, भाई जीवा भाई है तो टेंशन किस बात? क्या सही बात है, बस हो गया। और कैसे हो सकता है? कहीं ये मेरी गलती तो नहीं? अब मैं बीपी साहब को क्या जवाब दूंगा? सवाल मत करना, मैं जो कहती हूं उसे गौर से सुनो। जब तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, तुम अपनी जुबान बंद रखोगे। लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैंने तुम्हारी ये सारी फोटोग्राफ चलाए, उसी तरह मैं तुम्हारे स्टूडियो और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। सेवा तो हम आपके करेंगे बीपी साहब, कमाल कर दिया आपने। सुपरस्टार राजेश कुमार ने 3 महीने की डेटे एक साथ आपको दे दी, वो भी सारी शूटिंगें कैंसिल करके। पूरी इंडस्ट्री में इस बात का शोर मच गया है, और आप है कि आपने इसकी एक भी टेरिटरी नहीं बेची। आखिर क्या बात है, इसकी एक भी सील कहीं नहीं छपी। बात है भल्ला साहब, और बड़ी खास बात है। देखिए, जिस लड़की को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, वो उसका नाम भी मोहिनी है और वो खुद भी मोहिनी है। तो दिल्ली यूपी हमारा हुआ।
नहीं भला साहब, एक बार मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद बेचने की बात करेंगे। क्या बजट है आपकी इस फिल्म का? बजट क्या भला साहब, बस ये समझ लीजिए कि मैं एक बहुत ही महंगी फिल्म बना रहा हूँ। और हाँ, इसका मुंह मांगा प्राइस मांगूंगा मैं। बीपी साहब, प्राइस आपकी जो भी हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए कितने एडवांस दे दूं इसके लिए? मैंने आपसे कहा ना भला साहब, बस एक बार मेरी ये फिल्म कंप्लीट हो जाए, पैसे की बात उसके बाद ही होगी। यस राजेश रेडी? हाँ। मोहिनी रेडी? यस सर। नायडू रेडी? सर रेडी। आपने हमें जो डेट दी थी उसी डेट में फिल्म कंप्लीट हो गई। दादा आपकी कमिटमेंट तो यार क्या। राजेश राजेश बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं, बस मैं क्या। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ये तो हमारा काम है। मगर मोहिनी के काम से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। राजेश जी आई एम वेरी प्राउड टू से के मोहिनी हमारी खोज है। मगर बीपी साहब अभी तक आपने इसका एक भी फ्रेम किसी को नहीं दिखाया। दिखाऊंगा राजेश जी, जरूर दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं, सब कुछ बड़े ही शानदार तरीके से होगा, एकदम लैविश। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एडिटिंग रूम में जाके मेरी हीरोइन को देख ले। अब तो हम डायरेक्ट बिग स्क्रीन पर अपनी इस फिल्म के रशेस देखेंगे। मालती फाइल मिली या नहीं? हाँ यही तो रखी थी मैंने। दो ना भाई जल्दी। हाँ ये लीजिए। हाँ यही वो फाइल है। Thank you.
मेरी पिक्चर कंप्लीट हो गई है, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। आज हम सब पिक्चर के रश प्रिंट देखने जाने वाले हैं। बेटी, आखिर तू चाहते क्या है? बदला, इंतकाम, अपने हथियारों का खात्मा। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी। शर्मा जी बोलिए। सर मैं प्रोजेक्शन थिएटर से बोल रहा हूँ, रश प्रिंट आ गया है सर, सब लोग तैयार हैं, आप आ जाएं तो शुरू करते हैं। शर्मा जी टेंशन मत दीजिए, बस मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा मोहिनी आ गई? नहीं सर वो तो नहीं आई, मैंने सुबह से घर पे भी ट्राई किया, मोबाइल पे भी ट्राई किया, लेकिन बात ही नहीं हो पाई सर। क्या सर, ऐसा करते हैं ना, कल उनके लिए स्पेशल ट्रायल रख देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। जी सर जल्दी आ जाइए। आई सर, आई आई। हेलो बेटी सर, कैसे हैं दादा? बस ठीक सर, हाउ आर यू सर? प्लीज बी सीटेड, बैठिए। नमस्ते सर। दादू सर, हाउ आर यू बॉस? फाइन सर। लवली जीवा भाई, आइए प्लीज बैठिए। बैठिए सर। चलिए शर्मा जी शुरू कराइए फटाफट। जी जी जल्दी से शुरू कराइए। यस सर, शुरू कीजिए दादा। शेखर तुम यहां क्या करने आए हो? मोहिनी ये क्या है? सही मोहिनी, वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करने से रोकती है? तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा ऊंचा खानदान? नहीं नहीं शेखर, मैं डरती हूँ, जो बात मैंने तुमसे छुपाई है। अरे ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, स्टॉप इट कीजिए। नायडू साहब क्या प्रॉब्लम है ये? राजेश जी दिख रहे हैं, मोहिनी कहाँ पर है? वो सर शूटिंग के समय तो सब ठीक ठाक था, पर अब मोहिनी जी नहीं है तो मैं क्या कर सकता? अरे यही तो प्रॉब्लम है नायडू साहब। शर्मा जी, जी सर क्या हो रहा है ये? मैं दूसरी रील लगवाता हूँ। अरे तो जल्दी दिखाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? आप बैठिए ना सर, दूसरी रील लगाइए दादा, दूसरी रील लगाइए। मोहिनी मोहिनी, आज मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ आज मैं हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं शेखर रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे ये क्या हो रहा है यार? अरे स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरे बंद कीजिए भाई, नो प्रॉब्लम, लाइट्स ऑन कीजिए प्लीज। नायडू साहब ये हो क्या रहा है? हर फ्रेम में राजेश जी दिख रहा है लेकिन मोहिनी जगह। सर मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर में पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं क्या बताऊं सर क्या हो रहा है? अरे पर ये क्यों हो रहा है? सर अगली रील देख लें। अरे कितनी रील देखेंगे आप? सर एक और ट्राई कर लें। लगाइए जल्दी। बैठिए दादा, बंद करो सब कुछ। दारू साहब मैं गया, जीवा भाई मैं बर्बाद। अरे मैंने अपने ऑफिस गाड़ी बंगला सब कुछ बेच दिया फिल्म के चक्कर में, मैं खत्म। अरे क्या हो रहा है? क्या हो गया दादा? नायडू साहब ये क्या है? अरे ये क्या है? हर फ्रेम में राजेश है, मोहिनी हर फ्रेम से गायब है, मैं खत्म। दादा पीपी फिनिश, जीवा भाई अरे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ऑफिस सब बेच दिया मैंने फिल्म के चक्कर में दादा। अरे मैं तो परेशान हो गई। कोई डॉक्टर बुलाओ, कॉल द डॉक्टर, जल्दी करो। संभालो इसे, कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। बीबी, बीबी साहब, बीबी साहब। देखिए पेशेंट से बात मत कीजिए। सिस्टर कैसी तबीयत है इनकी? तबीयत? हाँ। देखिए आप अगर इनसे मिलने आए हैं तो मिल लीजिए, इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी जा सकते हैं। कैसी बात कर रही हैं आप नर्स? आप नर्स हैं या एक डाइंज हैं? मैं कौन हूँ? Thank you.
माधवी हूँ। ये मोहनी नहीं है, अभी जब मैं आया था तो ये नर्स थी और देखते ही देखते माधवी बन गई। क्या? हाँ। माधवी? हाँ। तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। अब तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब इस कमरे से तुम्हारी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी, चाहे जितना चीख लो, जितना चिल्ला लो। माधवी, देखो मैंने तुम्हारी बहन मोहिनी को हीरोइन भी बना दिया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो पूरी फिल्म में कहीं दिखाई नहीं देती। बीपी, हवा का झोंका भी कभी दिखाई देता है। ये तुम क्या कह रही हो माधवी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आज मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि मैं ही माधवी हूँ। माधवी? और मैं ही मोहिनी हूँ। क्या? माधवी भी तुम हो और मोहिनी भी तुम ही हो? तुम्हारी फिल्म में मैंने ही काम किया था, एक आत्मा ने, और आत्मा की कोई तस्वीर नहीं खींच सकता। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं प्रेस वालों को क्यों नहीं बुलाना चाहती थी। तुमने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जीता जी मार दिया तुमने मुझे। और तुमने तुमने मुझे तबाह नहीं किया। मैं तो एक सीधी साधी लड़की, एक एक्ट्रेस, फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि इस तालाब में तुम और जीवा जैसी दो गंदी मछलियां भी हैं। मुझे तो एक फिल्म मैगजीन वालों ने टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया था, पर मेरी बदकिस्मती, मैं उनका पता ढूंढते ढूंढते तुम्हारे ऑफिस आ पहुंची, और उस दिन भी तुम दोनों वहां पे मौजूद थे। जीवा भाई, आप हैं तभी तो इतनी हिम्मत भी कर रहा हूँ, इतनी बड़ी फिल्म की प्लानिंग कर रहा हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। बस एक हीरो मिल जाए, हीरोइन मिल जाए, काम आगे बढ़ाया जाए। अरे बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। यस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए, प्लीज कम आइए। जी कहिए। वो दरअसल मैं बहुत देर से कलानिकेतन बंगला ढूंढ रही थी कि वो है कहाँ। यहाँ पे कोई बता भी नहीं पाया। यहाँ से गुजर रही थी तो बाहर बीबी प्रोडक्शन का बोर्ड देखा, इसीलिए अंदर आ गई। कलानिकेतन में क्या काम है आपको? जी वहाँ पे एक फिल्म मैगजीन टैलेंट कॉन्टेस्ट कर रही है। ओके, आप फिल्मों में काम करने आई हैं? जी हाँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मैंने कॉलेज डेज में भी ड्रामा में पार्ट लिया था, वहाँ पे मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। That's very good. आपका नाम क्या है? जी माधवी। Okay, okay. माधवी, आप कलानिकेतन पहुंचने से पहले यहाँ आ गई। I must say you are very lucky. ये डीपी साहब, फिल्म प्रोड्यूसर, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है इन्होंने, बड़े बड़े एक्टरों को काम दिया इन्होंने। हेलो सर। बस अभी इनकी मेहरबानी से है। ये है हमारे जीवा भाई, इस लाइन के बहुत बड़े फाइनेंसर। नमस्ते। हेलो। तुम टैलेंट कॉन्टेस्ट में पास हो या ना, हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है। क्यों बीबी साहब? यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है। माधवी जी, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, एक बात कहूंगा आपसे, आपका चेहरा लाखों में एक है, मैं आपका फ्यूचर आज ही प्रेडिक्ट कर देता हूं, आप कल एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। बाय द वे, मैं इस समय कलानिकेतन की तरफ ही जा रहा हूं, आप चाहें तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं। आप कलानिकेतन जाइए, वहां कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, लेकिन अगर आपका हीरोइन बनने का इरादा हो तो आप शाम को हमें
इस पते पर जरूर मिली है। थैंक यू सर, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच हो सकता है। जब ख्वाब हकीकत में बदलता है तो उस पर यकीन करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आप शाम को हमें इस पते पे मिलिए, माधुरी जी आपकी तकदीर हम लिखेंगे। सच? जी हाँ। आइए मैं आपको कलानी केतन छोड़ देता हूँ। ओके, नमस्ते। ओके बाय। तुमने मुझे कलानी केतन छोड़ दिया। उस टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरी मुलाकात डायरेक्टर श्याम कुमार जी से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी और उस टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अब ये मेरा दुर्भाग्य था कि उस रात मैं तुम्हारे दिए हुए पते पर तुमसे मिलने आ पहुंची। मुझे क्या पता था कि वहां दो भेड़िए मेरा इंतजार कर रहे हैं। और बीपी, तुम्हें तो जरा से भी शर्म नहीं आई। उस रात तुमने मुझे देखते ही क्या कहा था? बीपी साहब, बीपी साहब, पता तो यहीं का था। बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, वो अभी तक आएगी? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो आएगी। दिखने में तो बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट लगती है। टाइम तो हो गया? नहीं, वो आएगी जरूर। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। कम इन। आइए प्लीज कम। अंदर आ जाओ। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्लीज कम, आइए आइए, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। देखो माधवी, हमसे दोस्ती करोगी तो फायदे में रहोगी। मैं इसी वक्त तुम्हें अपनी 3 फिल्मों के लिए साइन करता हूं। 3 फिल्में? हाँ, और इसके लिए तुम्हें कुछ खास करना भी नहीं होगा। सिर्फ मुझे और जीवा भाई को खुश करना होगा। और उसके बाद तुम दोनों शैतानों पर नशे का भूत सवार था। मुझे खिलौना समझकर मुझसे खेलने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों हवस और वासना के नशे में पागल हो रहे थे और मैं तुम दोनों की चुंगल से भागना चाहती थी। छोड़ दो मुझे।
मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज चुप, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, जस्ट चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, चुप किया तुमने? मैंने उसे सिर्फ चुप कराने की कोशिश की थी, पता नहीं अचानक अब क्या होगा, होना क्या है? इसे गले में इसी के दुपट्टे का फंदा बनाकर किसी पेड़ पर लटका देंगे, उसके बाद भूल जाएंगे कि हम किसी ऐसी लड़की से मिले भी थे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम्हें तो मैं उसी दिन खत्म कर सकती थी जिस दिन मैं एक शरीर से आत्मा बन गई, पर नहीं, मैं तुम्हें तबाह करना चाहती थी, कंगाल कर देना चाहती थी, और बेबी देख लो, मैंने तुम्हें तबाह कर दिया, तुम्हें एक एक कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया। तुमने अपना सारा पैसा इस फिल्म पर लगा दिया था, पर तुम्हारी फिल्म पूरी होकर भी अधूरी रह गई। अब तुम जीकर क्या करोगे बीबी? मैं तुम दोनों की समाधि इसी कमरे में बना दूंगी। माधवी, मुझे जाने दो, मेरा दिल बड़ा कमजोर है माधवी। मासूम लड़की की इज्जत लूटते वक्त तुम्हारा दिल मजबूत हो जाता है। जिस तरह तुम दोनों ने मेरा गला घोटकर मुझे मारा था, आज तुम दोनों की मौत भी उसी तरह होगी। जीवा, तुम बीपी का गला घोटोगे और बीपी तुम जीवा का। ये सब क्या है, क्या है? कुछ नहीं, इस तालाब को गंदा करने वाली मछलियों को मैंने निकालकर फेंक दिया। लेकिन मोहिनी, श्याम कुमार जी, मैं मोहिनी नहीं, माधवी हूं। क्या? दरअसल मोहिनी कोई थी ही नहीं। क्या? मैं ही माधवी हूं और मैं ही मोहिनी हूं। ये दोनों मेरी मौत की जिम्मेदार थे, और आज मैंने इन्हें खत्म कर दिया।